गांधी जयंती व शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। गांधी जयंती व शास्त्री जयंती के उपलक्ष्य में डिफेंडर्स ऑफ फेथ शास्त्री जयंती एवं विनायक इवेंट के द्वारा स्वच्छता ही प्राथमिकता विषय पर अनेक कार्यक्रम किए गए, जिसमें सर्वप्रथम वर्तमान खुला विश्वविद्यालय कोटा और रीजनल सेंटर अजमेर में वृक्षारोपण व सफाई की गई। उसके पश्चात मेहंदी खोला माता मंदिर में भी वृक्षारोपण व सफाई की गई। साथ ही भगवंत विश्वविद्यालय के माध्यम से नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किया गया। देखिए हमारे सोनू जैसे लोग अपनी तो सुविधाओं के लिए संस्थान की सुविधाओं का प्रयोग कर लेते हैं और ये दोबारा उस लायक नहीं छोड़ते हैं कि दूसरे लोग अपनी सुविधाओं का सुविधा का प्रयोग कर सकें। यही तो है हमारे चर्चा। ये क्या कूड़ा डालने की जगह है? ये तो साफ है ना। थोड़ा सा कूड़ा मैंने डाल दिया तो क्या हुआ? इसमें कौन सा कूड़े का ढेर लगता है? क्या फर्क पड़ता है? एक जने ने कूड़ा डाल दिया, मैं डाल दूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे नहीं, अब यहाँ पे लोगों ने कचरा डाल ही दिया, यहाँ पे कूड़ादान बन ही गया है तो मैं भी डाल देता हूँ। मैं अकेला ही करूंगा। दो अक्टूबर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर डिफेंडर्स ऑफ फेथ संस्था और विनायक इवेंट्स के द्वारा स्वच्छता ही प्राथमिकता इस विषय को लेकर अनेक कार्यक्रम किए गए। सर्वप्रथम सवेरे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा रीजनल सेंटर अजमेर में वृक्षारोपण किया गया तथा सफाई कार्य किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर और अधिकारी मौजूद रहे। इसके पश्चात दोपहर में मेहंदी गोला माता मंदिर शास्त्री नगर में भी वृक्षारोपण किया गया तथा मंदिर परिसर की सफाई की गई, जिसमें मंदिर के पुजारी तथा अन्य सदस्यगणों ने भी सहयोग करा। अंत में शाम को भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर के विद्यार्थियों के सहयोग से एक नुक्कड़ नाटक जिसका विषय था स्वच्छता ही प्राथमिकता का प्रदर्शन किया गया, जो कि गौरवपथ स्थित चौपाटी पर किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था लोगों को ये बताना था कि स्वच्छता किस तरह से रखी जा सकती है, क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए और हम किस तरह से और इन नए तरीकों से स्वच्छता रख सकते हैं। ये उद्देश्य था उस नाटक का। डिफेंडर्स ऑफ संस्था द्वारा ये तय किया गया है कि इस माह को स्वच्छता ही प्राथमिकता का लक्ष्य लेकर चला जाएगा तथा समस्त कार्यक्रम इसी लक्ष्य के आधार पर चलाए जाएंगे। धन्यवाद।